हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शिक्षा वह शहर का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना तेज धाड़ेगा। दोस्तों, इस मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। आज का जो वीडियो रहने वाला वो रहने वाला आसाम राइफल भर्ती 2023। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आसाम राइफल भर्ती 2022 का हमने वीडियो बनाया था, और आसाम राइफल भर्ती 2022 को हमने पूरी भी की थी। अभी आपका पीछे जो टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती आई थी उसको भी हमने भाई पूरा आपको कवर किया था। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आसाम राइफल न्यू भर्ती 2023 की। क्या भर्ती आएगी, कितनी पोस्ट पर आएगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्या होगा, एग्जाम सेंटर्स क्या होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर प्रूफ दे देता हूँ। दोस्तों देखो, दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड आया, चाहे आसाम राइफल ले लो, चाहे कोई भी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज ले लो, जिसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आपकी भर्ती आती है। और मैं बात करूं यहाँ पर आसाम राइफल की, तो आसाम राइफल का यहाँ पर जो टेक्निकल ट्रेड्समैन की जो रिक्रूटमेंट आई थी उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। अभी आपका यहाँ पर ये यह नहीं कि मैंने जुलाई में वीडियो बना दिया, भाई अभी आ गया जून, क्या वीडियो आई, आपकी भर्ती नहीं आई, जुलाई आ गया, अभी जुलाई की अपडेट, अगस्त आ गया, अगस्त की अपडेट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा था, मैंने आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि हाँ भर्ती अभी कब तक आ सकते। देखो मैं आपको बताऊं, कोई भी भर्ती हो, जब तक वो एक भर्ती रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक उसकी दूसरी भर्ती आती नहीं। केवल एसएससी को छोड़ दिया, क्योंकि एसएससी 2020 की भर्ती थी तो 2023 में नहीं भर्ती आ गई, पीओ 20 वाली भर्ती किसी न किसी कारण से अटकी हुई थी, इस कारण से भर्ती अटकी, उस कारण से नहीं भर्ती आई, बल्कि अदरवाइज कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में नहीं हुआ। इसका आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है 2022 वाली का, तो 2022 वाली का आ चुका, तो 2023 वाली का आ चुका, उसका आपका अभी मैं बताऊँ आपकी आपकी भर्ती यहाँ पर 100% आएगी। अब आएगी कब तक वो भी मैं बात करूँ, उससे पहले हम पोस्ट कितने आएंगे वो चीज बता देता हूँ मैं आपको। पोस्ट आपकी यहाँ पर 1300 प्लस पोस्ट आने की बात हो रही है, जो मेरे पास अपडेट आई है कि 1348 प्लस पोस्ट के ऊपर ये भर्ती आने वाली है। कितने, 1348 सॉरी मोर दोस्त, 1348 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जो कि एक बड़ी रिक्रूटमेंट होगी यार। 1348 परिवारों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, और एक बंदे के पीछे पांच, अब वो पता है ना, 5 जनों की फैमिली है, तो कम से कम बता रहा हूँ, तो 5 जनों की आप सोच सकते हैं यार, इसका 5 गुना कर लो, 5 गुना कैंडिडेट्स, मतलब 5 गुना आपकी फैमिली बढ़िया होगी, 5 गुना इतने आदमी, 1348 परिवार के बंदे, तो आपके यहाँ पर रोजगार मिलेगा ना। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप सबको पता है, सबसे पहले पीटी पीएसटी होता है, यदि नहीं पता तो नए कैंडिडेट सुन लो। पीटी पीएसटी में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसको बोलते हैं। एवरेज में मान लो, तो आपका 5 किलोमीटर की रेस है ना, वो आपको यहाँ पर 24 मिनट में पूरी करनी होती है। कितने किलोमीटर, 24 मिनट में आपको पूरी करनी होती है, ठीक है। इसके मैं बात करूँ इसके बाद की, आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, कहीं में आपको 165 सेंटीमीटर भी, जैसे कदरक वगैरह में, ठीक है। ये चीज आपका आ गया, चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 80 से 85 सेंटीमीटर। वेट आपका नॉर्मली 50 kg होता है, और फीमेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 7.5 मिनट पूरी करनी होती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, हाइट मैंने बता दिया, चेस्ट बता दिया, ये सब कुछ तो मैं बता रहा हूँ। अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस तो हम बता दिया कि ये पीटी पीएचटी होगा, इसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन। बिल्कुल, रिटर्न एग्जामिनेशन जहाँ आपका पीटी पीएचटी होगा उसका 7 से 8 दिन बाद वहां पर होगा। एग्जाम सेंटर्स में बता देता हूँ, इसी कड़ी में आगे देखो, एग्जाम सेंटर्स के अंदर सुकोई आपका यहाँ पर, दीपू दीमापुर आपका यहाँ पर, जो आपका सेंटर पड़ता है शिलोंग आपका यहाँ पर, जो सेंटर पड़ता है आपका, एक और सेंटर पड़ता है शायद वो नागालैंड के अंदर पड़ता है, तो वो सेंटर्स आपके रहते हैं। 5 से 6 सेंटर सीएसएफ के आपके आसाम राइफल्स के हैं, वो आपके सेंटर्स रहते हैं। इसके अंदर बताऊं आपको, यदि इंडियन आर्मी में कोई बंदे का सपना रह गया अधूरा कि मेरा इंडियन आर्मी में नहीं हो पाया, वो परमानेंट नौकरी करना चाहता है, तो आसाम राइफल को ज्वाइन कर सकता है। ये दोस्तों एक ऐसी फोर्स है जो इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, और इंडियन आर्मी के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, कैंटीन कार्ड दे लो, एसएसएस कार्ड दे लो, सारे बेनिफिट्स आपको आसाम राइफल को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान, मैंने एग्जाम सेंटर्स बता दिए, एग्जाम सेंटर्स के बाद में आपको होगा आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद में आपको होगा यहाँ पर जो आपका डीएमई और आपका डीएमई यानी रीमेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग। आप कहीं कैंडिडेट बोलेंगे सर ये आपने बता दिया, दोस्तों मैं बताऊँ आपको, अब इसके बीच में अगर होता है ट्रेड्समैन हो या आपका यहाँ पर कलर्क, दो भर्ती आती है साथ में, ट्रेड्समैन और कलर्क। देखो दोस्तों मैं बताऊँ आपका, पीटी पीएचटी वाले दिन ही आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, कलर्क का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, और इसका ट्रेड का आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, पीटी पीएचटी वाले दिन ही आपको हो जाता है। आसाम राइफल एक ऐसी फोर्सेज भर्ती है जिसकी आप एक बार जाके आओ तो आपका सारा काम वहां पर निपटा के आ जाओ, मतलब फिजिकल भी करके आ जाओ, ट्रेड टेस्ट भी करके आ जाओ, रिटर्न भी करके आ जाओ, मेडिकल भी करके आओ, सारे काम वहां पर निपटा के आ जाओ, उसके बाद फाइनल होगा कि नहीं होगा वो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी भर्ती है, ठीक है। बात करते एज क्या रहती है, 15 की एज तो बता दो, 18 से 25 साल रहती है इसकी, ठीक है, और इसके आगे 18 से 23 साल, पर मैं आपकी बात बता रहा हूँ, इसमें एज में छूट मिलेगी।
इसमें 18 से 25 की जगह 2500 होने जा रहा है, और इसमें आपका 18 से 25 की जगह 23 की जगह 2500 होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर दो दो साल की छूट, आपको तीन तीन साल की छूट आपको कोरोना काल में गवर्नमेंट ने दी है, वो आपको BSF देख लो, अभी सारी फोर्सेज आपको दे रही थी, आसाम रेफर भी ये दे रही है, ये चीज भी आप ध्यान रखना, ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस कितनी पोस्ट में आएगी, भर्ती आएगी क्या, बिल्कुल भर्ती आएगी, और भर्ती कब तक आ रही है वो चीज मैं बता दूं आपका, आपकी भर्ती ना वो आपको अगस्त लास्ट या सितंबर का फर्स्ट वीक में आपको 100% भर्ती देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपको भाई आपको बता देगा किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, सारी जानकारी आपको दे देगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, बाकी देखो जो भी कोई अपडेट होती है आसाम राइफल भर्ती की तरफ से वो आपको भाई आपको अपडेट करता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकर साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। तेरा हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, जो थककर ना बैठते मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों एक चीज, एक बात और आज आ गई दोस्तों, आपको जो कंडक्ट बोल रहे ना कि आप ये हो गया वो हो गया, सबसे बड़ा हथियार होता है खामोशी। खामोशी अपने पास रखो, खामोशी कोई आपका सारे जवाब खामोशी दे देगी। अरे जो आप कर रहे हो, मानता हूं कि आप मान लो 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे क्या हो गया 2023 में जो भर्ती आ रही है उसमें सिलेक्शन लेंगे, और जब सिलेक्शन लेके आप उसके सामने जाओगे तो उसको सारे जवाब हो जाएंगे, उसको आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप शर्म के मारे नीची बुद्धि कर लेगा। मेरे दोस्तों बताओ आपको, शर्म के मारे वो इतना ज्यादा यार शर्मिंदा हो जाएगा, इंसान पूछ भी नहीं सकते। तो दोस्तों आप भी अपने आप में एक चीज और बोलना चाहता हूँ, आप भी किसी को बात बोलने से पहले एक बार सोचा करो, ये हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी यार थोड़ी बहुत कमजोरी रही होगी, पर वो कैंडिडेट जितनी मेहनत कर रहा ना, आज एक बेरोजगार जितनी मेहनत कर रहा ना उतना कोई कैंडिडेट नहीं कर रहा। तो दोस्तों जो कैंडिडेट बेरोजगार है, जो चाहते हैं मुझे रोजगार मिले, जो चाहते हैं अपने भाई के साथ सपोर्ट करते हैं, वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा है। बाकी देखो आपको भाई आगे अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनगर साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।